भाइयों और बहनों, यहां की सरकार किस तरह चालाकी से काम कर रही है ये भी मैं आपको बताता हूं। बताऊं ये कैसी चालाकी करती है, सुनना है आपको? ये गांव के लोगों को पता नहीं, आपको बताना पड़ेगा। बताएंगे बताएंगे। देखिए, अभी भी जो एक रुपये के चावल गरीबों को यहां मिलता है, वो केंद्र की सरकार ये यहां बताते नहीं है, छुपा देते हैं। भारत सरकार, दिल्ली में चौकीदार की सरकार 19 रुपया 30 रुपये में चावल खरीदती है और वो चावल यहां पर पहुंचाती है। यहां की सरकार ज्यादा से ज्यादा उसमें उसको 2 रुपया डालना पड़ता है। ये चौकीदार की सरकार 25, 27, 29 रुपये डालती है, ये सिर्फ 2 रुपया डालते हैं और कहते हैं कि यहां पर उड़ीसा सरकार ये चावल सस्ते में गरीबों को दे रही है। बताइए, झूठ है कि नहीं है? ये झूठ है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? ये आपके साथ झूठ बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? अब मुझे बताइए कि अगर आपका बेटा दिल्ली में रहता है और वो आपको मनी ऑर्डर भेजता है और पोस्टमैन आपके घर में आकर के मनी ऑर्डर देता है, तो ये पैसा पोस्टमैन देता है कि दिल्ली में बैठा आपका बेटा देता है? बताइए, कौन देता है? ये पैसा पोस्टमैन देता है कि दिल्ली में बैठा हुआ आपका बेटा देता है? अब ये कहते हैं पोस्टमैन देता है, ये आपके गले उतरेगा क्या? मान लीजिए आपका बेटा दिल्ली में बैठा है और पिताजी के लिए बढ़िया एक शर्ट भेजना है, वो कपड़ा खरीद के लिए आता है, दर्जी को ढूंढता है, नाप देता है, धोबी को ढूंढता है, इस प्रेस करवाता है और पैकिंग करके यहां पर भेजता है, और यहां जो लाने वाला एजेंट है उसके जिम्मे है कि उस पर बटन लगा दे, वो यहां उस पर शर्ट, बढ़िया शर्ट जो दिल्ली से बेटे ने भेजा है उस पर बटन लगा देता है और फिर शर्ट आपके यहां पहुंचा देता है। बताइए, शर्ट बेटे ने भेजा कि बटन लगाने वाले ने भेजा? शर्ट किसने भेजा? शर्ट किसने भेजा? ये बटन लगाने वाले ने भेजा क्या? ये ऐसा आधा अधूरा झूठ बोल करके आपको गुमराह करते हैं। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि ओडिशा सरकार इसको पहुंचाने के लिए मेहनत नहीं करती, करते हैं, लेकिन अरे ये भी तो बताओ कि चावल ये चौकीदार भेजता है तब सस्ते में आता है, लेकिन नहीं बताते।